हाय गाइस, नमस्कार सभी को। आज मिल्किंग का एक बार फिर से वीडियो, काफ़ी दिनों बाद। कल हमारी गाय जो है तो हीट में थी, कल इसका सीमन भी हो गया है। ढाई महीने में इसका जो है तो सीमन हो जाता है, तो कल साहिवाल का हमने इसका सीमन कराया है। परसों से ये काफ़ी हल्ला कर रही थी और कल जो है तो डॉक्टर को बुला के इसका सीमन करवाए हैं। ढाई महीने लगने के बाद जो है तो हर बार जो है तो ये गर्म हो जाती है और बन जाती है। मैक्सिमम ढाई महीने ये दूध देती है, इसके बाद ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी, बन जाएगी और दूध भी देती रहेगी। बमुश्किल इसको हम लोग दो महीने छोड़ते हैं। लगातार भड़क भड़ुन मचाई हुई है। तो काफ़ी दो दिन से यहाँ जो है पानी गिर रहा है, काफ़ी तेज गिरा है मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश में रीवा में तो बहुत है पानी गिरा है, फसल को भी बहुत नुकसान किया है। अब पूरे गौशाला में देखिए पानी भरा है, क्योंकि ऊपर से पानी आता है, यहाँ पूरी गौशाला भींगी हुई है। ये कि ऊपर से नहीं पड़ रहा था, बस इतना ही था, और नीचे फर्श किया हुआ है तो कांदव नहीं था, नहीं तो जानवरों को बड़ी परेशानी थी दो दिन से। हाँ, जो भूसा उसा बाहर निकला था सब भींज गया, इतना ज़्यादा पानी गिरा है। ओले तो नहीं पड़े हैं, लेकिन फिर भी मसूर उसूर की फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके नाड़ी का जो है तो घाव बन गया था, तो इसको नाड़े को छोड़ा हूँ।
यहाँ जो है इसका काफ़ी वो हो गया था, इसको जो है तो यहाँ से हटा करके अब गले में बांध दिया हूँ ताकि इसका घाव भर जाए। ये अपना दोनों हमारी जो गौए हैं बछड़िया हैं, किस तरह से इनको हमने मट्ठा डाला था, वो मट्ठा डाला तो पी पी करके और एक एक चावल एक एक सबको खींच करके, और देखिए एकदम फूली हुई हैं। ये हमारी गिरी भी डंब लगी है, फूली है, और ये भी, ये तो बहुत पसंद करती है मट्ठा को, ये बहुत पसंद करती है। गिरी बड़ी वाली खात रही, बड़ी वाली भी गिरी जो है तो बहुत पसंद करती थी, ये मट्ठा को बहुत मानती हैं। तो ये अपना पूरा खाना ना इधर देखिए गिराई है ना उधर गिराई हैं, पूरा दोनों मिलकर के अब नाद का खाना पूरा संतुलित खाए हैं। तो ये गोबर का स्टॉक अभी लगा हुआ है, दूर रहना, गोबर का स्टॉक लगा हुआ है आज, क्योंकि यहाँ गोबर की बिक्री नहीं होती है तो स्टॉक करते हैं खाद के लिए, और खाद एकत्र करके इसको डालते हैं। छलकने के लिए कुछ ले आओ।